हम गोलकुंडा किले के पास है। यहाँ पर मैं समझता हूँ इतिहास में कभी भी यहाँ पर हिंदुत्व के प्रति इतना बड़ा जंज सैलाब नहीं इकट्ठा हुआ होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और आज यहाँ पर इतने बड़े संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़ा हो और नारा एकदम कमजोर हो, मजा नहीं आता। बोलो भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज बंडी संजय जी की अध्यक्षता में जो कल यात्रा प्रारंभ हुई थी भाग्य लक्ष्मी मंदिर से, आप कितने लोग उस सभा में मौजूद थे? क्या बात है, दुर्भाग्य है कल मैं उस सभा में नहीं रह सका, बहुत अफसोस है। मेरा सपना था कि उसी स्थान से मैं एक कार्यक्रम करूं, लेकिन मेरा सपना हमारे पंडित संजय जी ने पूरा किया है। और कल जब तक पंडित संजय जी बात कर रहे थे तब तक पानी नहीं गिरा, यानी आशीर्वाद संजय जी को मिल चुका है। माता जी ने विजय का आशीर्वाद, और जहां पर भगवान श्री राम जी चंद्र जी के चरण इसी गोलकुंडा फोर्ट में पड़े हैं, श्री रामदास को मिलने यहीं पर श्री रामचंद्र जी आए थे। और यह पवित्र स्थान हम मानते हैं क्योंकि यही गोलकुंडा किला एक समय पहले काकतीय राज में बनाया गया था, ना कि कुतुबशाहियों ने। ये हम हिंदुओं के राजाओं ने इस फोर्ट को बनाया था, यह बात ध्यान रखना मेरे भाइयों। और आज इस यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में जो भाई बंधु माताएं बहने उपस्थित है, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। क्योंकि पानी गिर रहा है, धूप है, छांव है, हर चीज को आप लोग स्वीकार करते हुए पंडित संजय जी के साथ कदम से कदम जो मिलाकर जो आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। पंडित संजय जी ने यात्रा निकाली है, यात्रा निकालने का उनका उद्देश्य है कि तेलंगाना राज्य में जो टीआरएस की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री केसीआर, यानी तेलंगाना में सिर्फ एक परिवार का राज है, और यह परिवार तेलंगाना की जनता का खून चूस रहा है। सबसे बड़ा करप्ट मुख्यमंत्री अगर भारत देश में कोई है तो वह है मुख्यमंत्री केसीआर। यह बात हमारे तेलंगाना की जनता को मैं बताना चाहूंगा। आज तेलंगाना को, यानी मुख्यमंत्री का एक सपना था बंगारू तेलंगाना बनाने का, लेकिन बंगारू तेलंगाना तो नहीं बन सका, मत्तुला तेलंगाना बन चुका है हमारा तेलंगाना, अपुला तेलंगाना हमारा बन चुका है। आज हर वो व्यक्ति के ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर, आपके ऊपर, आपके ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर आज कर्जा, यानी तेलंगाना को मुख्यमंत्री ने लूट लिया है, डुबो दिया है तेलंगाना को। यही बात बंडी संजय जी जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प लिया, जनता को बंडी संजय जी ने बताना सोचा कि ये जो मुख्यमंत्री है ये जनता को लूट रहा है, खुद के परिवार को पाल रहा है, कोई नौजवान को नौकरी नहीं दे रहा है, लेकिन अपने परिवार में हर वो व्यक्ति को बड़ा बड़ा नौकरी को दे रहा है। यही बात जनता में पहुंचाने के लिए पंडित संजय जी ने यात्रा निकाली है। आज तेलंगाना में केंद्र से करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए। आज तेलंगाना में रोड डेवलपमेंट हो या बिल्डिंग डेवलपमेंट हो या वाटर के प्रति हर घर को कनेक्शन हो, यानी हर प्रकार का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो केंद्र के पैसों से हो रहा है। लेकिन यही बट्टेबाज मुख्यमंत्री ये कहता है कि केंद्र से एक रुपया भी नहीं आ रहा,
तो मैं मुख्यमंत्री को किसी गोलकुंडा बोर्ड से पूछना चाहूंगा कि हे मुख्यमंत्री, अगर तेरे में दम है तो यही स्थान पर आकर एक व्हाइट पेपर डिक्लेयर करें कि तेलंगाना से एक रुपया भी नहीं आया। अगर तुम्हारे में दम है तो यहाँ पर आकर व्हाइट पेपर डिक्लेयर करें। आज भारतीय जनता पार्टी चैलेंज करती है तुम्हें। आज तुम कहते हो कि मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं, केंद्र कुछ नहीं दे रहा है, तो आज जो मोटी मोटी जो करप्शन जो आप जो पैसा जो कमा रहे हैं, किसके बाप का पैसा, मैं पूछना चाहूंगा। आज यही एमआईएम के लोग ये कहते हैं कि कार उनकी तो स्टेयरिंग हमारे हाथ में है, यानी तेलंगाना की स्टेयरिंग इन एमआईएम के हाथ में दे दी है। मैं किसी मुसलमान का खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आज मैं उन मुसलमान भाई बंधुओं को यह कहना चाहूंगा, अगर सचमुच में तुम्हारा कोई दुश्मन है तो वो है एमआईएम। ये बात ध्यान रखना। आज मोदी जी ने ना जात देखी है ना पात देखी है। मोदी जी ने, वो मेरा भारतवासी है, कोविड के समय पर हर व्यक्ति को टीकाकरण हो ये सोच रखकर हर वो व्यक्ति को टीकाकरण दिया है। मेरे भारतवासी का, हर वो व्यक्ति के प्राण बचे ये सोच रखने वाले मोदी जी में अगर इतनी भी फीलिंग होती तो त्रिपल तलाक नहीं लाते मेरे भाइयों। आज मुस्लिम मां बहनों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को रोकने के लिए त्रिपल तलाक बिल लाकर हरारा के दर्द से मोदी जी ने बचाया है हमारी मुस्लिम बहनों को। मैं यहाँ पर जितने भी मेरे भाई बंधु जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, हम तो देशभक्तों का सम्मान करते हैं और देशद्रोहियों को खोद के गाड़ देते हैं। ये है हमारी नीति। आइए मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें, आइए मिलकर एक नए तेलंगाना का निर्माण करें। आने वाले समय में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी। आज लाखों एकड़ वक्फ लैंड बेच के खाने वाले कौन है, क्या हम हैं या एमआईएम वाले हैं, ये बात मेरे भाई बंधु जान लें। मैंने मुख्यमंत्री को विधानसभा में हर वो सर्वे नंबर के साथ में दिया है कि है मुख्यमंत्री, ये एमआईएम वाले जो हमारे मुसलमानों की यानी उनके भगवान की जो जमीन होती है वक्फ लैंड, ये कब्जा हो रही है। लाखों एकड़ जमीनों ने इन्होंने बेच के खा ली है। तो मुख्यमंत्री क्या कहता है, राजा सिंह वो तो हमारे माई बाप है, उनके ऊपर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। और मैं कहना चाहूंगा, ये जो एमआईएम है ना, किसकी सरकार बनती है उसके पैर पकड़ लेते हैं। कांग्रेस की सरकार बनी उनके पैर पकड़े, टीडीपी की सरकार बनी उनके पैर पकड़े, और आज ये मुख्यमंत्री टीआरएस की सरकार बनी तो इनके पैर पकड़कर आज वक्फ लैंड बेच बेच के, सरकारी लैंड बेच बेच के खा रहे ये लोग। आज ये ओवैसी तालिबानियों का सपोर्ट करता है, ये ओवैसी तालिबानियों का सपोर्ट करता है और ये कहता है कि भारत में तालिबान में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उससे ज्यादा अत्याचार भारत में हो रहा है। तो मैं यही ओवैसी को और ओवैसी के फॉलोअर जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा, आज आप लोग ओल्ड सिटी में जाकर देखो, कईयों माँ बहनों को दुबई में बेचा जा रहा है, शेखों के पास बेचा जा रहा है। आज ये राजा सिंह कईयों माँ बहनों को दुबई से हो, सऊदी से हो, हमारी पार्टी के सहयोग से उनको रिटर्न हैदराबाद हम लोग बुलाए, क्या ये लोग बुलाएंगे? एक भी कोई बहन बेटी को क्या ये लोग बुलाए क्या? नहीं। हाँ, लेकिन इन्हीं के विधानसभा से, इन्हीं के पार्लियामेंट क्षेत्र से कईयों मुस्लिम बहन बेटी, गरीब मुस्लिम बहन बेटियों को सऊदी में, दुबई में बेचा गया। और आज तुम तालिबानियों को कोट करते हुए मोदी जी को टारगेट करते हो। अरे तुम ही हो ना जो कहते कि हम मोदी को पैर रखने नहीं देंगे। अरे वो तो तुम्हारे बड़े अब्बा है। हाल ही में
योगी जी जो तुम्हारे छोटे अप्पा थे वो ओसीपी के अंदर आकर तुम्हारी वाट लगा के तैयार नहीं गए। चलो वो भी दिन भूल गए, कल का दिन तो तुम मरते दम तक याद नहीं रहे। तुम्हारे तेलंगाना के अब्बा को कल तुम्हारी वाट लगा दी है ना, ये बात तुम मरते दम तक नहीं भूलोगे, इतना तो मैं जानूंगा। मेरे भाइयों, आप सबसे मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, आखिरी में बोलना तो बहुत है लेकिन संजय जी को भी तो बोलना है। आखिरी में आप सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक ये पदयात्रा चलेगी, हर वो कार्यकर्ता कमर कस के बंडे संजय जी के कदम से कदम मिलाकर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनेगी, वो आप सबके आशीर्वाद से, ये बात ध्यान रखना।